what are the reason for low productivity? लो प्रोडक्टिविटी मीन्स इंडिया के अंदर इतने लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते फिर भी यहाँ पे उत्पादक करवानी क्षमता ओछी क्यों रहती है, कम क्यों है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर आपकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन होती है तो 15 से 10 मार्क में ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर द कजीज और रीजन फॉर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर? खेती बाड़ी विस्तार में उत्पादक करवानी क्षमता ना ओछा होवाना कारणों रीजन याद रखना, तीन रीजन है। कंपेयर विद अदर कंट्री एंड कंपेयर विद पोटेंशियल द प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज वेरी लो। इंडिया में उत्पादक करवानी क्षमता बहुत कम है। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। जब गेहूँ की बात करें तो हम पर हेक्टर पर वीघा 3,750 किलो गेहूँ बना सकते हैं, मगर वहीं तुम चाइना की बात करो, फ्रांस की बात करो, जर्मनी की बात करो, फर्क पड़ता है। अपनों को सिर्फ इंडिया का याद रखना है। इसी तरह हम जब पेड़ी की बात करें, गेहूँ की बात करें, चाहे राइस की बात करें, चावल की बात करें, तो इंडिया पर हेक्टर 3,608 किलो बनाता है। उसके सामने जापान 6,000 किलो, चाइना 6,800 किलो। यानी सिंपल पता चलता है कि हमारे पास जो जगह है चाइना के जितनी है प्रोडक्शन की, मगर हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है। ये आपको लर्न नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है। क्लियर? यानी इसके टेबल से तुमको यही बताया गया है कि जितनी जगह में हम कितना काम करते हैं, उतनी जगह में चाइना, जर्मनी, जापान, फ्रांस, वर्ल्ड उसमें कैसा काम होता है। क्लियर? ये लर्न नहीं करना है, लर्न तुमको यहाँ से करना है। कजीज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, तो लो प्रोडक्टिविटी के कजीज तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए। नंबर वन जनरल कैटेगरी, नंबर टू इंस्टीट्यूशनल, नंबर थ्री टेक्निकल। लेक्चर चालू, लेक्चर बाद फोन करता हूँ। तीन कैटेगरी में नंबर वन जनरल, नंबर टू इंस्टीट्यूशनल, नंबर थ्री टेक्निकल। अपने तीनों तीन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जनरल फैक्टर का मतलब सामान्य फैक्टर, इसमें क्या आता है? तो पहला आ जाता है सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण। अब ऑलरेडी वी नो इंडिया के अंदर इलिटरेसी, साक्षरता कम है, और बेसिकली अपने यहाँ के जो लोग हैं वो धर्म, आस्था, अंधविश्वास वाले ज़्यादा होते हैं। तो देखो लिखा हुआ है लेवल ऑफ इलिटरेसी यानी साक्षरता फार्मर के अंदर बहुत कम है, यानी निरसाक्षरता बहुत ज़्यादा है। दे आर सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास हुए, कंजर्वेटिज्म छोटी छोटी बातों पे कंजर्वेटिव, अनरिस्पॉन्सिव। उसके बाद उनको कुछ अच्छी टेक्निक, अच्छी रिसर्च के बारे में बताओ तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस। तो पहला तो उनका वातावरण, सामाजिक वातावरण बहुत जूने ख्यालों का है। ऑन वन साइड दिस सीम टू बी ट्रू, बट ऑन अदर एंड द स्टडी कंडक्टेड बाय हूपर ऑन सीनापुर विलेज स्टेटेड इंडियन फार्मर इज क्वाइट एफिशिएंट। यानी सीधा है ना, दोनों दो पहलू है। अपने ये नहीं बोल सकते कि इंडिया के फार्मर वो नहीं है, मगर यहाँ पे बताया भी है कि ऊपर जी की जो थियरी है, जो ऊपर ने जो स्टडी करा है, एनालिसिस करा, तो वहाँ से ऐसा ही बताया कि इंडिया के फार्मर ऐसे भी है कि जो ये चीज़ों पर, रिसोर्सिस पे, डेवलपमेंट पे ज़्यादा मानते हैं ना, दोनों प्रसिद्धि घटी। नंबर टू प्रेशर ऑन पॉपुलेशन ऑफ लैंड। कॉमन है, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास ऑलरेडी जगह की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है,
तो कॉमन है, एक जगह पे काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। देखो, सिंस नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैव बीन अनेबल टू एक्सपांड एफिशिएंटली, इंडिया के अंदर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर जितना दूसरी कंट्री जैसा डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप नहीं है। सो पॉपुलेशन प्रेशर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। तो लोग क्या करते हैं, रोजी रोटी के लिए, काम काज के लिए पूरे के पूरे किस पे निर्भर रहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। देखो एग्जाम्पल पे ध्यान देना, इन 2011 अबाउट 263 million वर्कर और 3/4 ऑफ रूरल वर्किंग पॉपुलेशन, यानी गामड़े की 3/4 का मतलब 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। कितनी, एग्रीकल्चर की 75% पे डिपेंड करती है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेगमेंटेशन एंड सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग। बराबर, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे लैंड डिवीजन कैसा हो गया कि जैसे भाई मेरे पास 1 बीघा जगह है, मेरे 2 बच्चे हुए, तो वो जगह के कितने हिस्सेदार हो गए, काम करने वाले 3, वो बच्चों के दो बच्चे हुए तो कॉमन है, जगह तो उतनी रही मगर काम करने वाले बढ़ गए। इसको बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ लैंड, यानी पॉपुलेशन का प्रेशर ज़मीन पे डे टू डे इंक्रीज ही होते जा रहा है, जिसके वजह से भी अपने यहाँ पे उत्पादक करवाने क्षमता प्रोडक्टिविटी कम रहती है। क्लियर। तीसरा आता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि भाई वही जूनी पद्धति ने बराबर जमीन को इस्तेमाल नहीं करते, तो जमीन की जो उत्पादक करने की कैपेसिटी है सोइल की, जमीन के नीचे जो सोइल होता है जो तुम्हारे अनाज को उत्पादक करने में मदद करता है, उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है, खलास हो रही है, ख़त्म हो रही है। देखो लिखा हुआ है, नियरली हाफ ऑफ अवर कंट्री 329 million हेक्टर ऑफ सोइल विल बी कैटेगराइज एज डिग्रेडेड, यानी इतनी जमीन की उत्पादक करवाने की क्षमता तुम्हारी बिगड़ गई है। 5% ऑफ लैंड इज डैमेज एंड यूजेबल, 5% जमीन तो किसी हो गई, डैमेज हो गई है, यानी बंजर हो गई है, वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। A study conducted by H.E. Drain and N.T. Chow has found that human-induced water erosion lead to productivity loss of 20% or more in some part of India. ने सीधा के सीधा बताया है कि भाई तुम्हारे को सही तरीके से तुम खेती बाड़ी नहीं करते हो, सही टेक्निक सही पद्धति का इस्तेमाल नहीं करते हो, जिसके वजह से तुम्हारी जमीन की सॉइल की फैसिलिटी डिक्रीज हो चुकी है। ये तुम्हारे थे जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर में 3 चीज़ देखी, एनवायरनमेंट देखा, पर हेक्टर ओवर पॉपुलेशन देखा और सोइल डिग्रेड देखा। अब आता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, कारण कौन से है। पहला आ जाता है लैंड टेनर सिस्टम। आप सबको पता है कि आज़ादी के बाद जमींदारी सिस्टम को नाबूद कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, फिर भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है। देखो, जमींदारी सिस्टम highly explosive in character, willingness of cultivator to increase production, even legislation were passed to abolish. Abolish का मतलब नाबूद। इंडिया के अंदर जमींदारी सिस्टम को भले नाबूद कर दिया गया, मगर फिर भी इस प्रकार जमींदारी तो नहीं मगर भाड़ा पेटा उसके हिसाब से भी जमीन दी जाती है, तो ये सब चीज़ें भी तुमको तकलीफ दे सकती है। जैसे exploitative practice on continued and regulation of rent, यानी day to day जमीन मालिक जमीन का भाड़ा बढ़ाते जा रहे हैं, भाड़ू आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, बराबर है। तो अंदर दिस सिस्टम इट इज डिफिकल्ट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ओनली विद टेक्नोलॉजिकल मीन, तो ये कारण भी है कि जितना उत्पादक बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि जो जमींदार होता है, जमीन का मालिक होता है, जमीन का मालिक होता है वो फार्मर क्या करता है, जो वहाँ पे काम करने वाले फार्मर है उनको एक्सप्लोइट करता है। एक्सप्लोइट का मतलब भाई ज़्यादा भाड़ा लगेगा, ज़्यादा रेंट लगेगा, ये खर्चा है, उनकी सिक्योरिटी भी फिक्स नहीं है, कभी भी कोई अच्छा ज़मीन का पैसा देने वाला मिला वो तुमको प्रोवाइड कर देगा, क्लियर, ज़मीन किसी और को दे देगा। दूसरा पॉइंट आता है लैक ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब लोन फैसिलिटी, मार्केटिंग फैसिलिटी, जैसे इंडस्ट्री ने सर्विस सेक्टर वालों को मिल रही है वैसे ये सेक्टर वालों को नहीं मिलती। देखो लिखा हुआ है, due to lack of marketing facility or non-availability of loan at fair rate, यानी कम ब्याज दर पे, अच्छे ब्याज दर पे, अच्छी तरीके की लोन
फार्मरों को नहीं मिलती, तो कॉमन उनको लोन नहीं मिलती, तो बीज ने वो अच्छी तरीके से नहीं खरीद पाएंगे, अच्छी कल्टीवेशन की मेथड यानी खेती की मेथड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो इसके वजह से भी प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आता है। तीसरा आता है अन इकोनॉमिक होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि भाई इंडिया के अंदर छोटे 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 फार्मर इतने बढ़ गए, क्योंकि अब तुमने आगे बढ़ा, पॉपुलेशन इतनी बढ़ी है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जमीन के टुकड़े होते जाएंगे। देखो लिखा हुआ है, इन 2010-11 85% ऑफ टोटल होल्डिंग फेल अंडर दिस कैटेगरी। इसका मतलब अन इकोनॉमिक का मतलब जगह के टुकड़े इतने पड़ गए कि वहाँ तुम पैसों के तौर पर उसको उद्धार करना चाहो, डेवलप करना चाहो, अच्छी मेथड अपनाना चाहो, साइंटिफिक टेक्निक इस्तेमाल करना चाहो, तो वो जगहों पे तुम साइंटिफिक मेथड साइंटिफिक टेक्निक अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी होल्डिंग साइज कम हो चुकी है। देखो लिखा हुआ है, नॉट ओनली होल्डिंग आर स्मॉल बट दे आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ छोटे छोटे प्लॉट टाइनी प्लॉट सो दैट कल्टीवेशन कैन कैरीड आउट ओनली बाय लेबर। तो इसके लिए का ऑप्शन है कि भाई लेबर के जरिए ही उत्पादक किया जा सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो तुम्हारा सेकंड पॉइंट कम्प्लीटली अवर हुआ, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। तीसरा आता है टेक्निकल। इस पर पहली चीज है आउटडेटेड एग्रीकल्चर टेक्निक। आउटडेटेड का मतलब अभी भी खेडूत लोग खेती बाड़ी के अंदर जूनी पद्धति, देखो नीचे एग्जाम्पल फोटो देखोगे तो पता चल जाएगा, वूल एंड प्लू यानी लकड़े का प्लो एंड ब्लॉक आर यूज बाय फार्मर फॉर इरीगेशन, खेती करने के लिए अभी भी वो जूनी पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर टू, इनएडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटी एंड अब सिंचाई पानी नहीं, ये सब जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, भी तुमने 12th कॉमर्स में पढ़ा हुआ था कि जो बड़े बड़े स्टेट है, जो डेवलप स्टेट है, अच्छे स्टेट है, जिनके पास पानी का प्रबंध है, उनको मिलता, बाकी हर स्टेट को हर जमीन को इरीगेशन फैसिलिटी भी पानी भी समय सर नहीं मिलता। देखो लिखा हुआ, इन 2012-13 ग्रॉस क्रॉप एरिया इन इंडिया वॉज 194.4 मिलियन हेक्टर आउट ऑफ विच 92 मिलियन हैव इरीगेशन। देख लो अजू भी 100 मिलियन हेक्टर ऐसा है जिसके पास सही सिंचाई सही पानी सही टेक्निक अवेलेबल नहीं है। क्लियर? इसका मतलब जो 100 मिलियन टन हेक्टर बाकी रह गया 15-12-13 के मुताबिक, उनको अभी भी अनाज की प्रोडक्शन के लिए बरसात पर डिपेंड करना पड़ता है। नाम सबको मालूम है क्या, इंडिया के अंदर हो के कोई भी कंट्री हो, बरसात रेन इज अनसर्टेन। अनसर्टेन मीन्स कुछ निश्चित नहीं है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा बरसात भी आपको तकलीफ देगा या बरसात नहीं होगा तो भी तकलीफ देगा। तो वही बताया कि इरीगेशन फैसिलिटी ना होने के कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2 भी कम्प्लीटली कवर होता है।